साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ हरे भरे रहें। हरे भरे रहना बहुत जरूरी है जीवन में। अवसाद, डिप्रेशन और कुंठा, निराशा से दूर करने के लिए ये सामने देखिए साइकस का पौधा है। ये पौधा आपको लग रहा होगा कि ये साइकस का है, लेकिन ये भी तो देखिए कि इसने अपने जीवन को कैसे बचाया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है सत्य यह है कि जो दुनिया में जीवाश्म मिले हैं उनमें ये दुर्लभ जीवाश्म झारखंड में पाया गया है। यही साइकस का पौधा है जिसका जीवाश्म पाया गया है और जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम पौधों में से एक है। तो भाई हे मानो, हे ईश्वर की सबसे बड़ी कृति मानो जी, आपकी ये प्रथम जिम्मेदारी है कि इन दुर्लभ पौधों को अवश्य ही बचाएं। और ये पौधा, एक और अच्छी बात है कि ये पौधा जहाँ लगता है वहाँ अपने आप में शोभा बड़ी निराली होती है, क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक है। हाँ, ये बड़े बड़े राजमहलों में, गवर्नर और राष्ट्रपति महोदय के आवासों में और ये हर जगह, बड़ी बड़ी जगह ये पाया जाता है, इसकी मौजूदगी होती है। इसकी मौजूदगी ही ये दिखाती है कि ये संपन्नता की प्रतीक है। ये हमारे इस गमले में लगा है, इसके देखिए ये बच्चे भी साइड से निकल रहे हैं। आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे क्योंकि ये लगभग 4-5 साल हो गया है और इसकी मिट्टी बदलना ज़रूरी है। इसमें खाद और मिनरल्स, पोषक तत्व इसकी मिट्टी में और दिए जाएं जिससे इसका और विकास हो और इसके बच्चे बल्ब, मतलब बच्चों का मतलब बल्ब, और अधिक मात्रा में निकलें, ऐसा विचार है। अच्छा, और अप्रैल माह में ही इसमें नई पत्तियां निकलती हैं, तो उन पत्तियों का भी संरक्षण और संवर्धन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो खराब हो जाती हैं। कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं और विशेषकर चींटियाँ, तो इसकी भी सावधानी आपको बताएंगे। बस अब भाई निवेदन यही है कि जुड़ जाइए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिए और जो एक घंटी बजी है घंटी जरूर बजाते रहिए, चाहे भगवान के दरबार में घंटी बजाइए और चाहे हमारे चैनल की घंटी बजाइए, लेकिन घंटी जरूर बजाइए। तो वही एक घंटी भी दबा दीजिए और जुड़ जाइए प्रकृति और पेड़ पौधों के अद्भुत ज्ञानमयी संसार से, क्योंकि हमारे चैनल का नाम यह है ज्ञान एंड नॉलेज, और हम बड़े बड़े दुर्लभ पौधों की, पेड़ पौधों के संरक्षण व संवर्धन की समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। देखिए, होली के ये पावन जो वर्ष समय चल रहा है, मौसम मतलब, ये भारत का सबसे अद्भुत निराला समय है। इसमें आप किसी भी पेड़ को इस गमले से उस गमले में, इस जगह से उस जगह जहां आपका मन नहीं भर पाया कि इस पौधे, ये पौधा यहां अच्छा लग रहा है या आपको उसे परिवर्तन करना है, तो आप इस समय परिवर्तित कर लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि बरसात से भी, बारिश से भी अच्छा समय ये वाला समय होता। अब देखिए, इसको हमने पूरी पिंडी के साथ सुरक्षित निकाल लिया। देखो, इसको, इसका एक वैज्ञानिक सिस्टम है। यदि आपको गमले से पौधे को निकालना है और उसकी जड़ों को किसी तरह नुकसान ना हो, तो पहले आप इसको थोड़ा पानी डाल दीजिए 2 दिन पहले, जिससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाए, और फिर गमले को इस तरह से उल्टा करिए और उल्टा करके और इसको निकाल लीजिए। देखिए, हमने पहले से ही सावधानी रखी है, इसमें ईंट, पत्थर, गमले के टुकड़े पहले इसमें गमले में डाले हैं, ये देख लीजिए आप लोग। कई लोग गलतियां कर देते हैं और ये नहीं डालते हैं, तो फिर इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम इसका बिगड़ जाता है। और ये पौधा है तो बहुत मजबूत, लेकिन पानी अगर ज़्यादा हो गया और पानी रुक गया अगर गमले में, तो समझ लीजिए कि फिर इसका तना तुरंत गलता है। इसके तना बहुत पतले पतले रेशों वाला होता है। जितने भी पाम की वैरायटी होती हैं उनके तने रेशों से बने होते हैं और वो पानी अगर रुक गया तो गल जाते हैं। पानी अगर थोड़ा आप मैनेज किए रहें तो ये पौधे इतने लंबी उम्र की होती है इनकी कि ये आपकी पीढ़ियाँ देख सकती हैं, मतलब ये आप समझ लीजिए कि
ये सतायु होते हैं, दुर्लभ है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि। तो चलिए साहब देखिए, इसको पिंडी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। देखिए ये, देखिए आप खुद देख लें कि ये पानी ज़्यादा इसमें हो गया और ये कीड़ा देखिए लगा हुआ है, ये कीड़ा लगा है, ये इस बल्ब को खा रहा है, ये देखिए बल्ब को इसने खा ही लिया, ये देखिए, और ये देखिए ये बच्चा तैयार है, लेकिन ये एक दूसरा ये लगा था, ये देखिए कीड़ा लगा है सामने ही, देख लीजिए आप। तो अब इसको अभी हम फंगिसाइड और उससे हल्दी वगैरह से हम लेप करेंगे, इसका बच गया, मतलब ये पौधा एक तरह से हमारा, ये भी आप समझ लीजिए कि हमने सही समय पे इसको रिपोर्ट हम करने जा रहे हैं। अब ये इसकी जो जड़ें हैं इनको हम अभी निकाल देंगे, काट देंगे, हाँ, और बस समझ लीजिए कि ये 2-3 साल के लिए फिर से ये हमारा पौधा इसी गमले में, काफ़ी बड़ा गमला है, इसी में हम रिपोर्ट कर देंगे। और इस मिट्टी में अभी हम काऊ डंग, बर्मी कंपोस्ट और थोड़ा बॉर्न मील वो भी मिलाएंगे, और सैंड मिलाएंगे, रिवर सैंड, हाँ रिवर सैंड मिला के इसको पौष्टिक बना देंगे। इसको अभी थोड़ा धूप और हवा लगेगी जिससे इसमें जो नमी ज़्यादा है वो कम हो जाए और ये हमारा पौधा हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। देखिए भाई इस समय अभी आपके पास समय है, आज संडे सैटरडे का भी समय है, तो इस तरह अपने गमलों की आप भी रक्षा करिए, वरना इसी तरह से गलन चालू हो जाएगी। और वो और देखिए इसमें जो भी आपके पास पेस्टिसाइड हो, कीटनाशक हो, नहीं हो तो आप नीम का वो बना लीजिए पत्तों का और इसमें छिड़काव कर दीजिए, तो फिर वो जो चींटियाँ लगती हैं वो नहीं लेंगी और सुंदर हरी भरी पत्तियाँ इसमें निकलेंगी। बहुत ही आकर्षण होता है जब नई पत्तियाँ निकलती हैं साइकस या पाम में, जितने भी पाम की वैरायटियाँ हैं। तो चलिए साहब इस तरह से आज का पर्याप्त ब्लॉक हो गया है, और जुड़े रहिए प्रकृति से, और घर में 5 गमले जरूर लगाइए भाई, इतना निवेदन जरूर मान लीजिए, ठीक है, और प्रकृति से जुड़े रहिए। आप 5 गमले लगाएंगे तो आपके बच्चे भी उसमें सेवा किया करेंगे, और एक काम बहुत अच्छा सुबह सुबह आपको मिल जाएगा। देखिए दुनिया में सबसे सकारात्मकता, देखिए देखिए पॉजिटिविटी, देखिए दुनिया में आपने जैसे आज मकान बनाया, आपने आज नई गाड़ी खरीदी, तो उसका क्षरण होना है। क्षरण क्या होना है? वो दिनों दिन पुरानी होना है, और प्रकृति की जो चीज़ है वो दिनों दिन नई होना है, क्योंकि इसमें जब नई पत्तियाँ निकलेंगी तो इसका जीवन नया हो जाएगा। तो रचनात्मकता से जुड़िए, सकारात्मकता से जुड़िए। और देखिए एक और होली और एक और त्यौहार आ रहा है देश में, तो उसमें जो है भाई जीव हत्या मत करिए, हाँ जीवों की रक्षा करिए। देखो भाई सबको इस दुनिया में सबको जिंदा रहने का अधिकार है, यही तो ज्ञान मिल रहा है ना प्रह्लाद और होलिका जी से और हिरण्यकश्यप से, कि प्रह्लाद को जिंदा रहने का अधिकार है, वो भी जीव है, वो मानव जीव हैं, इसी तरह और भी जीव हैं, उनको जिंदा रखिए। देखो हम तो निवेदन कर सकते हैं, देखिए पहले सनातन व्यवस्था में हिंदुओं में भी पशु बलि, नर बलि, सभी तरह की कुप्रथाएँ थीं, लेकिन हमारे महान महान संतों ने और इस पर रिसर्च की, और विश्वामित्र जी जो सबसे बड़े वैज्ञानिक और सबसे बड़े दार्शनिक और सबसे बड़े आध्यात्मिक संत हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं पशु बल नहीं, आप सिर्फ नारियल की बलि चढ़ाइए, और नारियल एक तरह से जीव है, फल है, जो फल है वो नश्वर है, मतलब उसे कभी ना कभी समाप्त होना ही है, फल को समाप्त होना ही है, हाँ तो फल की आप बलि चढ़ाइए। तो देखिए फिर सनातन व्यवस्था में जो भी लोग जुड़े थे, जो पशु बल और नर बल किया करते थे, उन्होंने अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर लिया, और आज घर घर अभी नवरात्रि आ रही हैं, तो देखिए नवरात्रि में हम नारियल की ही बलि चढ़ाएंगे। देखिए भाई ये प्रकृति से प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करिए, तो उस तरह से आप लोग भी अपनी सोच में परिवर्तन कर लीजिए धीरे धीरे। अच्छा होली में भी कुछ कुप्रथाएँ ये चालू हो गई हैं, आप तो कदापि मत करिए, नो 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 नो। देखिए भक्षण कर सकते हैं, भक्षण का मतलब इसलिए कि जो आदम है, मतलब वो जो मतलब प्राचीन काल में जब वस्त्र वगैरह नहीं थे, खाने पीने के सामान नहीं थे, तब जानवरों का हम लोग रोस्टेड करके खाया करते थे, आदमी खाते थे, शास्त्रों में भी इस बात का विवरण है। तो भाई आदम वाली स्थिति में अगर आप हो, मतलब कहीं युद्ध क्षेत्र में फंस गए हो या किसी
बर्फ वाले एरिया में या निर्जन स्थान में, तो वहाँ आप अपने जीवन की रक्षा के लिए, पेट पालने के लिए, मतलब भक्ष के लिए, भक्षण के लिए आप कर सकते हैं जीव हत्या। हाँ, ऐसा विधान है कि जीवन तो जिंदा रखना है किसी भी हालत में। तो चलिए देखिए भाई, अब काफ़ी कुछ हो गया, आप लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जन जागरण से ही जागरण होगा। हाँ, तो चलिए आज तो निवेदन यही है कि साइकस का पौधा जरूर लगाइए। हाँ, घर में एक पौधा जरूर लगाइए। चलिए साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।